वाह क्या गाया है यार तीनों ने. थैंक यू थैंक यू. वेलकम टू किचन चैंपियन पावर्ड बाय रिलायंस स्मार्ट. हम स्वागत करते हैं देश का नए स्पॉन्सर्स का और हमारे मेहमानों का. मेरी हवेली पे आज के विशेष अतिथि हैं वो जिनकी सुरों की है सारी दुनिया प्यासी, द राइजिंग स्टार के विनर हेमंत ब्रिजवासी. और उनके किचन कंपेनियन बनकर आए हैं उनके शो के भी किचन कंपेनियन यानी के उनके रियल कंपेनियन चैंप ऑफ हर किस्म के गीत रोहन प्रीत. और इन्हें कड़ी टक्कर देने आ रहे हैं बिग बॉस 12 में जिन्होंने मचाया था खूब बवाल, किया था खूब कुड़कुड़, 20 लाख लेकर ऐश करने वाले दीपक ठाकुर. और आज उनके कंपेनियन बनकर आ रहे हैं वो बापू जो बिल्कुल भी दीपक के सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, यानी कि बड़े ठाकुर मिस्टर पंकज ठाकुर. कितने लड़कियों के टिक मिले ने अंकल दीपक के लिए? तो लोग सारा दुनिया जान रहे हैं कि पता नहीं बिग बॉस में पता नहीं क्या मेकअप वेकअप किया था, इससे पहले नहीं दिखते थे, उसके बाद दिखने लगे. आप दोनों बहुत अच्छे गाते हो, क्या इतना अच्छा खाना भी बना पाते हो? हाँ जी हाँ जी, मैगी बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं. आप कभी किचन में गए ही नहीं? मतलब नहीं, मैं गया हूँ, पानी बहुत बार पिया मैंने जाके. अच्छा, मतलब ये सब काम आप अच्छे से करते हो. आप? मैंने मैगी भी बिन नहीं बनाई कभी. एक मिनट सुनो भाई, इसकी मुझे बात तीन चीजें सिखानी है, ऐसे करके दिखा दो. कैसे? इधर आओ तुम, इधर आओ, पहले सिखाओ मुझे. देखा करके दिखाया. तो मुझे बताइए आप नाश्ते में क्या खाते हैं दीपक? हमारा तो सीधा
आज क्योंकि मैं मथुरा से हूँ, अरे तो आज हम मथुरा से रिलेटेड कुछ बनाना चाहते हैं। मथुरा केक जिसका नाम है। इतना समझ लो आम का दरिया पूरा डूब के जाना इसमें। ये गैस नहीं है, ये इंडक्शन है, ये गैस का काम करती है। चलाए भी नहीं पहले कभी। अभी सामग्री के बारे में आप कुछ बताएंगे, इसमें क्या क्या डलता है? ये है खोया। खोया, 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 खोया। और ये मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स हैं। वेरी गुड यार हिमंत, इंग्लिश आती है मुझे। ये आपने सब मिक्स कर दिया, फिर अभी क्या करना है? हाँ जी, तो दूध मिला दो फिर। तो दूध कितनी मात्रा में मिलाना है? थोड़ा अपने थोड़ा स्वाद अनुसार। जैसे अरे वो नमक होता है स्वाद अनुसार रे बाबा। नमक होता है? दूध थोड़ी होता है यार स्वाद अनुसार। चल डाल दूध जितना दूध स्वाद अनुसार। अब आप चम्मच ले सकते हैं, तब तक मैं दीपक के पास चलता हूँ, उनके पिताश्री के पास चलता हूँ। क्या क्या इसमें सामग्री क्या क्या लगती है दीपक, आप गा के बता सकते हैं हमें? हम बना रहे हैं लिट्टी, इसमें लगेगा सत्तू और नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची जितना खाते हैं डाल लीजिए उसमें। ये क्या है? अदरक। अदरक, लहसुन, ये जमाइन, ये मंगरैला। वाह। और ये है।
और ये शो जबरदस्त है। अरे वाह। तो ये जो है ना, इसको हम डालेंगे इसमें पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ डालेंगे, शक्ति कपूर ना आ जाए। अब इसमें जाएगा ये धनिया है, इसको ऐसे आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक। ये नमक ही है ना, एक मिनट। बस बस, पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं बापूजी के, प्लीज फॉलो करो। पापा हर कुछ में हमको रोक देते हैं। हाँ, तुम्हारी हरकतें ऐसी है, हर चीज में तुम चढ़ जाते हो यार। बढ़िया सा, ओके। ये काला काला क्या डाल रहे हो आप? ये हमारे भाषा में तो मंगरेला है भाई, आप लोग अपना अपना सीन देख लो क्या है। कलौंजी। कलौंजी, ये जमाइन है। जमाइन? हाँ। इसको तो अजवाइन बोलते हैं ना हम लोग, वहां जमाइन बोलते हैं भाई। ये मिर्च है। इसमें और क्या क्या डालना है? नींबू का रस। नींबू का रस डाल दिया, गीला हो जाए उतना ही, बस बस। तेल नहीं डालना इसमें, एक चम्मच थोड़ा सा सरसों का तेल। ये इसको करेंगे ऐसे, लाल मिर्च थोड़ा सा, थोड़ा सा डाल, थोड़ा सा डाल, अच्छे हैं बस, खूब मिलाओ। और ये हमने, आप उधर अपना देख रहे थे तो हम इधर ये आटे का ये तैयार किए हैं, इसको सान के। ओके। इसमें हमने मिर्च डाला है थोड़ा सा, ओके, धनिया पीसा हुआ डाला है। ओके। और इसको आप घी में भी कर सकते हैं अगर आप पैसे वाले हैं तो। हाँ। वरना पानी, पहले इसको बढ़िया से, सही है। चलो ठीक है। और ये अच्छा अंकल, आप ये क्या बना रहे हैं? लिट्टी बना रहे हैं। ओके। इसी में सत्तू डालेंगे हम। चलो मैं अपने दो कमाल सिंगर्स के पास जाके देखता हूँ। अरे इन्होंने तो काफी तैयारी कर ली है। हाँ जी, हमने चलो तो, बना लिया, गोले बना लिए। अब क्या करोगे भाई हेमंत? फ्राई करेंगे इसके बीच में डाल के। नहीं, ऐसे नहीं डालते, बट वो निकालने के लिए डालते डायरेक्ट है। देखो मैं बताता हूँ, आज जो तीनों साथ में डालना है। हमें बुलाया है अर्जुन ने अपनी हवेली पे, जो भी बनाएंगे वो खाना है, जाने के सबको हथेली पे। क्या बात है। बिस्कुट जैसे एबधारी गर्वित जी हैं, अगले एंकर के लिए वो चर्चित भी है। मीठी मुस्कान जिसकी दुनिया जहान में, नाम उसका इनायत है। परी की आंखें देखो, रेशम से बाल देखो,
कि उठसी बोली इनकी करती धमाल देखो देसी है बोल अपना देसी ही भाता है पिज्जा और बर्गर हमको समझे ना आता है और हमें बुलाया है अर्जुन ने स्वागत किया है हवेली पे बहुत बढ़िया थैंक यू वाह स्टैंडिंग ओवेशन वाह खुल गए अर्जुन भैया बहुत अच्छा था किचन चैंपियन शो में ये हमारा बेस्ट मोमेंट था और अर्जुन भैया पहली बात ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपकी हवेली है हाँ। ये हम इस हवेली के चैंपियंस हैं वरना हम जज क्यों हैं हाँ। जज ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंकर थोड़ी ना हम हैं जज और आप हो एंकर ये जो इसने किया ना इसी को बेइज्जती कहते हैं तेरे बहुत पर निकला है बैठ जा वहां हरवित यार हमारा लिट्टी हो गया तैयार अंकल निकाल लिए जल्दी बन गए था इसके ऊपर ये शक्कर सा थोड़ा ओके छान दो ओके चलिए अब बुला के प्लेटिंग भी तैयार हो चुकी है तो इंटरनेशनल ट्रॉली बुला अरे अरे रुक जा बेटा मुंह में ही आएगा बहुत स्वाद है बहुत ज्यादा स्वाद है बहुत पटाना है बे तू उसको गुस्सा दिला रहा है अच्छा ठीक है यार भाई अच्छा ही बताइए तुझे है ना मम्मी आप खा लेते हैं इन दोनों का झूठ नहीं इसका अलग कोई नहीं खाते ये बिस्किट जैसा बिस्किट मैं तो मम्मी का ही नहीं खाती झूठा तो खा ले ये देसी है ये इन लोगों ने ना ये अलग भी और क्रंची भी बस बस भाई भाई इसके साथ दूं बहुत ये तो तीखा है हाँ तीखा ही है लगा तीखा नहीं परी को तो नहीं लगा अच्छा तीखा ये खाया हाँ ये हार्डी होता है खिला दिया उसको
मुझे तो दिया ही नहीं आपने। हम दोनों को ये जो ये वाइट वाइट था ना, ये पाउडर जैसा लग रहा था, इतना अच्छा था ना, और ये थोड़ा क्रंची भी था और क्रिस्पी भी था। आई लव यू। ये था ना, ये बहुत हार्ड हार्ड था और इसमें बहुत ज्यादा स्पाइसी थी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। मैं ये स्माइली बोल देना चाहूंगा इनको, तालमेल बजाना, क्योंकि ये जो पाउडर था ना बहुत मस्त था। और पहली बात मुझे तो इतना दीवाना हो गया था कि मैं तो इसका ही चाट रहा था। क्या? और एक बात, ये भी बहुत क्रंची सा था। बेटा पार्सल कर दे तुम्हारे लिए। ये नहीं, ये वाला। चलो गर्वित ने अपना रिजल्ट सुना दिया, परी जल्दी बताओ। धकार ली तुमने परी? मेन कोर्स तो अभी बाकी है। अब मत कराओ यार। अभी तुम हर बार मुझे देना, ठीक है? ये पूरा प्रजाति खत्म करके अब वो राउंड जिसके बारे में एंटिसिपेट करके सम्राट अशोका ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे, क्योंकि कलिंगा की लड़ाई भी उतनी कांटे की नहीं थी जितनी है आखिरी कढ़ाई। इस राउंड के लिए आपको वही मिलेगा जो इंग्लैंड को पिछले 11 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में मिला है, एक घंटा। इस एक घंटे में आपको बनाना है दुनिया का सबसे टेस्टी मेन कोर्स। एक मुख्य सामग्री दी जाएगी जिसको बेस मानकर आपको मेन कोर्स बनाना है। दिस इज आवर इंटरनेशनल ट्रॉले। 1 2 3 2 1 3 2 1
यहाँ पे लेकर आओ, थोड़ी सी पूजा करो भी अच्छा बने और इसको ऐसे डाल दो बीच में। वाह हो 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 हो। तो दाल पूरी डालनी मेरे ख्याल से। हाँ हाँ दाल डाल दो। हाँ हाँ डाल दे, डाल दे, डाल दे। चलो ये है मैदा, तू तू डाल इसमें। मैं पूरा डालूं? हाँ हाँ पूरा बने पर। बस शाबाश। अभी प्याज। चल अगला अगला सामान, प्याज पूरे, प्याज पर चलो स्मैक पा दे। हाँ हेमंत एक बात बताओ। जी सर। कभी अपनी मम्मी या पापा को अपने हाथ से कच्छू बनाकर खिलाए हो? नहीं जी, मैंने कच्छू ना बनाया कभी। सिर्फ गाना? गाना, गाना, गाने से उनका पेट भर जाता है। मेरे पापा कहते हैं, हम चार भाई हैं, चारों ही गाते हैं, तो वो कहते हैं एक लाइन, चारों बेटे मेरे गाते हैं लेकिन जिसका गाना मेरा पेट भरता है ना, वो सिर्फ हेमंत है। पापा की बात की तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बिकॉज मैं अपने पापा को बहुत जब मैं यंग था खो दिया था। एक गाना था, जब भी मुझे उनकी याद आती है तो दीपक, चलो हमें सिखाएं कि ये अब कैसे बनाया जाता है। कटहल की सब्जी को बनाने के लिए लीजिए उबला हुआ कटहल, पीली सरसों, काली सरसों, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हींग, हल्दी का पाउडर, नींबू का रस, अमचूर, जीरा का पाउडर और नमक स्वादानुसार। थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं अगर आप मीठा मीठा चाहते हैं तो। थोड़ा सा क्रीम डालिए उसमें, पानी चाहिए होगा आपको और हरी धनिया। बस ठीक है। ये है, ये सरसों, सरसों पीला, सबसे ज्यादा कम कम थोड़ा सा, ये राई थोड़ा सा, बस 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 बस। अदरक डालना है, लहसुन, अदरक लहसुन, हाँ कम 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 कम, प्याज भी रहने दो, रुक जाओ बहुत गर्म है पापा, ये लाल हो गया है, थोड़ा सा लाल होने दो। और हाँ डाल दे भाई, प्याज भी गर्म हो जाएगा, बहुत लाल हो जाएगा। टमाटर डालो ना, कटहल डाल दिया। अब इसको हम लोग हौले हौले थोड़ी देर पकने देंगे। हम देखते हैं वहां हमारे
पंजाब और मथुरा के लोग क्या रे भाई, शेप शो इतना प्यार से कर रहे हो भाई। अभी ये सारा मैश करके हमने इसका शेप दे दिया आपने, कटलेट का। क्या क्या डाला था आपने? मैंने सारा कुछ डाल दिया जो कुछ पड़ा था। अभी कहाँ डाला? लाल दिया। लाल मिर्च तो डाल दी, सारा कुछ ए टू जेड। कटहल डाला, हाँ कटहल डाला, दाल डाली, दाल प्याज डाली, प्याज और ये मैदा, मैदा आटा, गार्लिक, ओके, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, गरम मसाला और ये धनिया और लाल मिर्च, वेरी गुड। और ये है ब्रेड क्रम्स, हाँ ये सब आपने इसमें डाला और पहले उसको अच्छे से स्मैश करके, करेक्ट, इसका मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ ताकि ये इसके साथ चिपक जाए। चिपक गए हैं तो ब्रेड क्रम्स, ताकि क्रिस्पी वाली जो बच्चों को क्रिस्पी क्रिस्पी पसंद है वो हो जाए। अब अच्छा, अभी इसको क्या करना है? फ्राई करेंगे अभी इसे भाई, हमें इसे पैन फ्राई कर रहे हैं आप, इसे पैन फ्राई, शैलो फ्राई, शैलो फ्राई जी। लो रुक जाओ, चलो ये आप शैलो फ्राई होता रहेगा। लेकिन रोहन प्रीत एंड दीपक, हाँ जी, आप दोनों इतने टैलेंटेड हैं लेकिन आज भी बेचारे सिंगल हैं, क्या ये सही बात है? आप बताइए ऑडियंस। मिलिए हमारे ऑडियंस से, मिस कुंती बाला से। आप दोनों के सामने एक एक प्रपोज करना है, पटाना है। एक तो आप उसको थोड़ा इंग्लिश में भी, बिकॉज आजकल की लड़कियां हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, बिहारी भी चाहिए। माई यू आर जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर, आपको भी मेकअप की जरूरत नहीं है, एकदम इसी के जैसा व्हाइट है, एकदम आपका चेहरा चमक रहा है। क्या पता मेकअप उतारने के बाद कुछ और कलर। रोहन, बिहार से रोहन, आपका माइक है आपके पास, चलो आप आइए माइक। अरे तो इनको तो पटाने की जरूरत, ये तो पालक भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, लेकिन कभी कभी जब लाइट चली जाती है आपके वहां तो मैं आपको ऐसे हवा देना चाहता हूँ। ओहो ठीक है, और आपका जो चेहरा है वो गाजर की तरह लाल है, पकड़ बताइए क्या इसका क्या नहीं है, गाते गाते हो जाएगा ना काम।
तुम्हारे हाथ में यही ना बच जाए मसाल और लड़की वहां ना चली जाए। चलो ये आपने इनको मजाक मजाक में सब्जी वाली बना दिया सारा कुछ धरा। तुम यार आग लगाना कब बंद करोगे बदतमीज। अरे तू छोड़ क्यों रही है यार। हाँ चलो बताइए कुंती बाला। वो मुजफ्फरपुर वाला याद रख। सबसे पहले मैं कहूंगा दीपक बस लाज रख लेना तुम लोग। लाज लाज बेटा छोड़ ध्यान मत दे। हे अन्य देवता इस बार पक्का अच्छा होगा ना। आगे 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 बढ़ा। चलो बड़ी पीकी सादे गस्सा मिर्ची है। चलिए रोहन मिर्ची बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ ये बेहतरीन है। इतना यम्मी। So yummy, है ना? अरे बोलने तो दे। ओ मम्मी, प्रभाव तो पड़ा है। माहौल बना रहा है। अच्छा अच्छा। पहले से बोल के माहौल बना रहा है। ओके। रिजल्ट्स की बारी है। सबसे पहले मैं बताऊँ। हाँ बता। मैं ये स्माइली बॉल देना चाहूँगी।
बिल्कुल वैसा बनाया। आई लव यू। मैंने आपको स्माइल दिया। आई लव यू। अब मैं अर्जुन भैया, मैं ये स्माइली बॉल देना चाहूंगा तालमर देना इनको, तालमर पे जाना बता देता हूँ क्योंकि क्योंकि ये जो था ना बहुत क्रंची था, इसका एकदम टेस्ट मस्त, एक मस्त लग रहा था, खा के एकदम लग रहा था मिर्ची है पर खाए तब लगे नहीं। बच्चों से दो स्माइलीज जीत कर आज हेमंत और रोहन। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.